अभी नई बात आती है कि जीएसटी आया कब था, और जो अभी हमने देखा सीजीएसटी आईजीएसटी ये सब कौन से जीएसटी है। देखो जीएसटी ना एक फैमिली है जिसकी ही मेंबर्स है, एक तरह से ऐसे कह सकते हो। तो उन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं, व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, जीएसटी आया कब था, जीएसटी कब आया था। ये आया था 1 जुलाई 2017, ठीक है। सो बहुत टाइम हो गया है अभी। कब आया था, 1 जुलाई 2017 को ये एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद से हर जगह क्या लगना चार्ज होना शुरू हो गया था, कौन सा टैक्स एप्लीकेबल हो गया था, जीएसटी। डर नहीं वाली बात। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये वाला आप फाइल से एक बार रीड कर लेना, पॉज करके रीड करना चाहते हो कर सकते हो। देखो पूरी क्लासेस ना मैं अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होने वाली है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये लेक्चर आपका बहुत 2-3 महीने चल रहे हैं कुछ। क्यों, मेरी तरफ से एफर्ट्स कम होंगे, आपकी तरफ से हो जाएंगे, आपको टाइम लग जाएगा। रीजन बीइंग, देखो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ नोटिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना। क्लास में क्या होता है, क्लासरूम में मैं नोटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे तो वो नोटिंग नहीं है। क्लासरूम में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो तो एक तरह से 70% टाइम तो बोर्ड पर लिखने में चला जाता है, यहाँ पे वो सब नहीं है, 70% टाइम तो वहां सेव हो गया। सेकंड, मुझे आपको लिखने के लिए टाइम देने के लिए एसएस को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो उसकी रीजन से क्या होगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे स्किप कर रहा हूँ, आगे चलो। सो आप पॉज करके लिख रहे हो तो वहां पे टाइम जा रहा है, बट वीडियो की लेंथ कम हो रही है। इससे पता है क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आपका ना जो डेटा यूज हो रहा है ना वो कम हो गया है। अभी आपको डेटा ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा, क्लास की लेंथ शॉर्ट होगी तो डेटा भी तो कम कंज्यूम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से इसको पॉज करके लिख सकते हो। सो कन्वीनियंट है ये, ओके। हाँ अभी बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी हमारे पास मेनली 3 तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जैसा हमने देखा वो किस चीज पे लगते हैं, लोकल सेल पे लगते हैं। जब सेल कब कर रहे हैं, विद इन द स्टेट कर रहे हैं, एक स्टेट के अंदर ही जब हम सेल परचेस कर रहे हैं तो उसको क्या मापिक क्या चार्ज करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और आईजीएसटी हमारा कब चार्ज होता है, जब हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं सेल, तो उस टाइम पे क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। सब कुछ नोट करना है, नोट पूरा करते चलना, डजेंट मैटर आप कौन से लेवल के हो, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो क्लासेस 12th क्लास से लेकर एक काफी बड़ी एज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस क्लास को देख रहे होंगे। सो ये मैं सोच रहा कि ओके इसको इजिली ले लेते हैं, अभी नोटिंग की आदत नहीं रही, नहीं उसको लिखने रखना, एक डायरी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, सो दैट सब कुछ आपको जब भी एक बार देखना होगा तो आपको वहां पे ही मिल जाएगा। सारी की सारी प्रेजेंटेशन ग्राफिकल फॉर्म में रखिए, टेक्सचुअल फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं रखिए। रीजन बिंग, उसको रिकॉल करना, माइंड में फिक्स करना और एकदम दोबारा से चेक करना आपके लिए ईजी हो जाता है। पूरे डिटेल आपको चाहिए होगी तो पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको आईसीआई का वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको सारा का सारी डिटेल बहुत अच्छी लैंग्वेज में मिल जाएगी। बट उससे मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो कोई फायदा नहीं है, कंटेंट सारा मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बुक आपकी 700 पेजेस की हो जाएगी, तो 700 पेजेस यहाँ कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर तो वो क्लासरूम रीडिंग हो जाएगी, उसको कवर करते करते हमारे महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। फिर तो आप क्या करना, सीए फाइनल की क्लास ले लेना, उसमें एक एक वर्ड डिस्कस हुआ है, ओके। सो जोक्स अपार्ट, जस्ट टेक इट इजी। जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हमने देख लिया है। इसकी ना मैं आपसे पहले फुल फॉर्म डिस्कस कर लेता हूँ। सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड होती है, वो लिखा होगा, कहाँ गया वो फाइल, चलिए इसमें मुझे अभी देखते हैं आगे होगी या किस तरह से मिस हो रखा, तो आप उसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब होता है ध्यान से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जब किसी से डिस्कस करेंगे ना, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो इसको इंटरस्टेट जीएसटी बोलेंगे, नहीं इंटरस्टेट पे लगता है वो ओके है, बट फुल फॉर्म में इंटरस्टेट नहीं है, फुल फॉर्म का है इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक फोर्थ हमारा टैक्स होता है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जो यूनियन टेरिटरीज हो गई, जैसे मैं अगर बात करता हूँ चंडीगढ़, दिल्ली, सो वहां पे तो अभी दिक्कत हो गई ना, वहां पे तो मैं स्टेट वाला कैसे लगा सकता हूँ क्योंकि वो तो स्टेट है ही नहीं। सो उसके लिए वहां पे क्या अलाउ करा है, उन्होंने कहा है यूटीजीएसटी चार्ज होगा। सो
कंसेप्ट सारे सेम है, सच कोई फर्क नहीं है, बट हाँ वहाँ पे अभी मैं उनको स्टेट नहीं बोल सकता हूँ, तो मेजरली ये रीजन है कि उसको हमने यूटी जीएसटी नाम दे दिया है। क्लियर है वाली बात? सो हमारे पास अभी चार तरीके के टैक्स हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी को मैं एक तरह से कैसे हर जगह कहाँ पे यूज करूंगा, एसजीएसटी की जगह। सो मतलब अगर जैसे मैं कोई यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कौन से टैक्स लग जाएंगे मेरे, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, वहां पे एससीएसटी नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? अभी जीएसटी का इम्पैक्ट देखते हैं, ये ना एक जनरल है, स्लाइटली देखते हैं इसको, जीएसटी से कैसे कैसे क्या क्या इम्पैक्ट है। कुछ चीजें ये जो स्लाइड है ना, ये वाली कि इनिशियल स्लाइड है, क्योंकि अभी टाइम टू टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट इसके टैक्स हर चीजों के चेंज करती रहती है, कभी कोई चीज का टैक्स कम कर देती है, कभी ज्यादा करती है, तो वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, मतलब डेली बेसिस इन द सेंस रेगुलर बेसिस पे। सो इन जनरल यहाँ पे गाइडलाइन देखते हैं कि क्या चीजों पे क्या चीजें फर्क पड़ा, चीप कौन सी चीजें सस्ती होगी, फूड आइटम्स जैसे थी मैदा, बेसन, सॉल्ट, बेसन, अनब्रांडेड आटा, अनपैक्ड फ्रूट ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सब चीजें क्या हो गई, सस्ती होगी। प्रेशर कुकर, पैन, एंटरटेनमेंट टिकट वगैरह जो हो गए, जो मेरे 100 रुपीज से नीचे गए थे वो कम हो गए, जब आपने बुक माई शो वगैरह पे टिकट बुक करने शुरू करे होंगे 100 रुपीज से नीचे वाले, जीएसटी आने के बाद वो सस्ते हो गए। वो बात अलग है, बाद में सिनेमा हॉल्स ने टिकट की वैल्यू बढ़ा दी, बट टैक्स कम हो गया था उसके ऊपर, तो टिकट सस्ते हो गए थे हमारे। होटल्स पे, पर्सनल केयर आइटम्स पे, अदर फुटवेयर वगैरह पे, ट्रैवल आइटम्स पे, इन चीजों पे हमारी कैसे होगी, चीजें सस्ती होगी, टैक्स सस्ता कम हो गया तो चीजें भी हमें सस्ती मिलने लगी। कुछ चीजें महंगी होगी, जैसे मैं बात करता हूँ लग्जरी होटल्स हो गए हमारे, टी कॉफी डाइनिंग रेस्टोरेंट, पर्सनल केयर हो गए, सर्विस कॉर्नर सर्विसेज हो गई, तो ये सारी चीजों पे हमारा कैसा हो गया, इन चीजों पे हमारे टैक्स रेट थोड़ा हायर लेवल पे चले गए। सो आप एक काम कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ, आप इनमें से रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं, कुछ नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, जनरल जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। सो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो आप आराम से लिख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें आगे का डिस्कस करते हैं।